सर आपका नाम क्या है? पवन पाईवाल है। ओके, आप यहाँ पे कौन सी पोजीशन में? मैं यहाँ पे स्वीट मैनेजर हुए थे। ओके, और ये खाना रेस्टोरेंट है वो कब एस्टेब्लिश हुई थी? नहीं, ये 2008 से है सर स्टार्टिंग। अच्छा, और ये कौन से एरिया में? खाना रेस्टोरेंट वैशाल नगर क्यूंस रोड जयपुर। जयपुर, अपने यहाँ स्वीट है, बेकरी है, रेस्टोरेंट है, फाइन डाइन है, प्रॉपर बैंकेट हॉल है। अच्छा, ओके, यहाँ का फेमस फूड कौन सा है? बोर्ड में अपने यहाँ सबसे बेस्ट छोला भटूरा है, पाव भाजी है और अपनी साउथ इंडियन है। ओके, और स्वीट में यहाँ पे अपने अभी सीजनल में गोंद लड्डू है, गोंद पाक है, वो सीजनल में जो स्वीट है हमारी, जो यहाँ की हाइजीनिक बहुत बढ़िया, साफ सफाई है बढ़िया सी, प्रॉपर चीज़ से हम इसको मेहनत करते हैं और सारी चीज़ हम बड़ी प्योरिटी के साथ करते हैं। सारी जो भी चीज़ है एकदम, कोई इसमें कलर वलर कोई यूज़ नहीं होता है, दो चीज़ें प्योरिटी का ज़्यादा ध्यान रखते हैं हम। प्राइस अपने जैसे मतलब थाली अपनी 215 से है, 252, दो तरह की थाली है अपनी, उससे मैक्सिमम 252 रुपये की थाली है, स्पेशल थाली है। ओके, उसमें दो लच्छा पराठा है, एक पनीर की सब्जी है, मिक्स वेज है, दाल मखनी है, राइस है, पापड़, चिकन सलाद, स्वीट्स, सारी चीज़ें। अच्छा, वो फिक्स रहता है? फिक्स मेनू है। अच्छा, और कुछ कई लोगों को अलग से खाना होता है? अलग से मिनी मेल भी है, अलग से भी मिल जाता है, सारी चीज़ें, जैसे कि छोले भटूरे हैं, छोले भटूरे, पाव भाजी, इडली सांभर, वड़ा सांभर, सारे अलग अलग, खांडवी ढोकला है, ढोकला है, वो भी मिलता है, मिलता है सर। और राजस्थानी स्पेशल में अपने यहाँ पे घेवर है, दूध के लड्डू है, ये मतलब अपने राजस्थान के गोंद लड्डू, गोंद पाक। अच्छा, मिठाइयाँ भी सब मिलती हैं यहाँ पे, सारी चीज़ें मिलती हैं, और वो सब काना के ब्रांड से ही मिलेगा? काना के ब्रांड ही मिलेगा। टाइमिंग क्या है सर? सुबह मॉर्निंग में अपने 8 बजे ओपन होता है और शाम को 10:30 तक क्लोजिंग रहता है। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम सर। स्वीट्स और फास्ट फूड अटैच में ग्राउंड फ्लोर पे, और ऊपर तनसुख है जो फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है, फुल सर्विस दी जाती है और यहाँ पे सेल्फ सर्विस है। सारी मिठाइयाँ, इधर काजू काउंटर है, उधर घी है,
और इधर मावा है, उसके बाद बंगाली स्वीट से केक बेकरी कुकीज़। अच्छा, वो सब काना की प्रोडक्ट की है? सारा काना, यहाँ चॉकलेट भी काना का ही मिलेगा, नमकीन भुजिया वगैरह सब काना का मिलेगा, शुगर फ्री स्वीट्स भी उपलब्ध है हमारे यहाँ। मेरा नाम शैलेश श्रेष्ठ है। अच्छा, यहाँ पे आप कौन सी पोजीशन में? मैं एज ए मैनेजर काम करता हूँ। ओके सर, यहाँ पे का फूड के बारे में थोड़ा बताएगी? सर देखिए, बेसिकली पूरा ब्रांड का जो नाम है वो काना है, ठीक है। काना आज जयपुर में हमारा 7 आउटलेट है। ओके। जो स्वीट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, हमारा वेराइटीज बहुत अच्छे हैं स्वीट्स के। उसके अलावा हम लोग स्वीट सेक्शन में एक फास्ट फूड सेक्शन है, जिसमें हम लोग साउथ इंडियन, चाइनीज़, इंडियन, इटालियन, मैक्सिकन सर्व करते हैं। और जहाँ भी हम खड़े हैं, ये एक फाइन डाइन एरिया है। हाँ जी, जो रेस्टोरेंट है खाना का ही पार्ट है, जिसमें हम लोग मल्टी क्विजन फूड सर्व करते हैं। इंडियन हुआ, चाइनीज़ हुआ, इटालियन हुआ, मैक्सिकन हुआ, साउथ इंडियन हुआ। तो हमारा जो स्पेशलिटी है वो हमारा इंडियन फूड बहुत अच्छा है, बाकी सारे फूड भी बहुत अच्छा है। अच्छा। बट हमारा जो क्लाइंट है ज़्यादा, वो हमारे इंडियन फूड की तरफ हमारा बहुत ज़्यादा आकर्षण है। तो जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि हम लोग क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और हम लोग टीम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि टीम का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास अच्छा टीम है तो आप एक अच्छा गेस्ट को हाइजीन फूड, अच्छा सर्विस, गुड क्वालिटी फूड आप सर्व कर सकते हो। और हाइजीन पे जैसे कि पूरे इंडिया में जब कोरोना हुआ, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी हम लोगों को हाइजीन को लेके, तो आज मेरे पास इतने क्लाइंट आते हैं, इतना हमारे पास अच्छा व्यू है, कि वो एक कारण है, उसका सबसे बड़ा फैक्टर है हाइजीन, क्योंकि हम लोग साफ सफाई पे, हाइजीन पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और क्वालिटी पे तो नो डाउट कर ही रहे हैं। और इसके अलावा हमारा और भी जैसे बैंकट पार्टी है हुआ, आपका बैंकट हॉल हुआ, आउटडोर कैटरिंग, तो बहुत बड़ा ब्रांड है सर ये जयपुर में। अभी रिसेंटली जयपुर में ही है हमारा, अभी प्लानिंग चल रहा है हम लोग बाहर भी खोलने का, जयपुर से बाहर। तो आप कभी आ जाइए। वो खुद का ही होगा? बिल्कुल खुद का होगा। अच्छा, नो फ्रेंचाइजी? नो फ्रेंचाइजी। ओके, यहाँ पे कितने आउटलेट है? 7 आउटलेट है। कहाँ कहाँ पे होगी आपके? अभी तो यहाँ बैठे हैं जहाँ ये, इसको वैशाली नगर बोलते हैं। उसके अलावा एक हमारा टोंक रोड पे है, एक हमारा गोपालपुरा पे है, सॉरी गौरव टावर में है, एक हमारा शीश किम में है, एक विद्याधर नगर में है, और एक हमारे शास्त्री नगर में। ओके। तो अभी प्लानिंग चल रही है हमारा, 2-3 और आउटलेट जयपुर में। तनसुक है वो 4 आउटलेट पे है, बाकी जगह खाली स्वीट्स और फास्ट फूड है, नमकीन है, बेकरी है। और इसके अलावा हमारा बेकरी का बहुत अच्छा काम है, ब्रेड्स का काम है, कुकीज है, नमकीन है, ये हमारा सब खुद का प्रोडक्शन है। अच्छा, जो नमकीन है वो बाहर जाते हैं या? हाँ, हमारा बाहर भी जाता है सर नमकीन। ओके, और कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स? बस हम ये कहना चाहते हैं कि आप कभी सेवा का मौका दें और एक बार आप टेस्ट करें खाना को, आप एक बार खाना से जुड़ जाएं तो आपको पता लग जाएगा कि हम लोग क्या क्वालिटी दे रहे हैं। जयपुर में तो फेमस है ये, बहुत फेमस है। आप किसी को भी पूछेंगे जयपुर में, बच्चा भी बता देगा। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू, नाइस टू मीट यू सर। सेम यस।
आप कहाँ से सर? हम जयपुर से। बढ़िया है, हॉस्पिटलिटी बढ़िया है और यहाँ का एडमिशन्स बढ़िया है। अच्छा, आप कई बार आ चुके हैं आपने खाना खाने? ओके। हमारे किसी को कि अभी तक आज तक कोई शिकायत नहीं आई। ओके। और किसी को बाहर से भी आता है तो हम कोशिश यही करते हैं कि उनको भी यहीं लाया जाए। अच्छा, क्या है कि जयपुर की रेपुटेशन भी बढ़े और खाना इतनी वेरी गुड। सर, हमारे व्यूवर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? वेलकम खाना जयपुर के अंदर आओ। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, बाय।